हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल जिसका नाम है प्रॉपर्टी ऑप्शंस और मैं आपका दोस्त राजीव माथुर। और मैं अपने इस चैनल पे आपको सस्ती और बेहतरीन प्रॉपर्टी दिखाने की कोशिश करता हूं जो सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं, अपना रेंट पे भी और खरीद भी सकें, ऐसी प्रॉपर्टीज में दिखाने की कोशिश करता हूं। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ये 1 BHK है, नए गांव में है। बाकी और क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी वहां पे आपको, तो उसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले ये वीडियो आप देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? तो चलिए आइए देखते हैं ये वीडियो। फ्रेंड्स, ये एक 1 BHK है, बहुत माइंड ब्लोइंग है। ये इसका एंट्रेंस है, देख रहे हो आप, ये एंट्रेंस है। और ये देखो, ये फ्लोरिंग है इसकी, ये फ्लोरिंग है। और ये इसके वॉल्स हैं, सीलिंग है। ये जो पहले मैंने दिखाया था उससे बड़ा है, ये हॉल काफ़ी अच्छा बड़ा है, इसमें बहुत स्पेस है। नीचे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मार्बल है, मतलब जो टाइल्स होती है ना वो है ये। और ये देखिए, ये आपको छोटी सी गैलरी टाइप मिल जाती है, ये यहाँ पे आप कपड़े वगैरह सुखाइए, सामान रखिए, AC फिट कीजिए। और ये आपको खाली एरिया मिलता है, ये देखिए पीछे रहा ये सोसाइटी का बिल्डिंग का, इधर देखिए एकदम खाली बिल्डिंग्स हैं, हवा चल रही है अभी बहुत अच्छी, वो दूर तक देखिए आपका आवाज़ आ रही होगी, हवा की, ये देखिए। अभी रह नहीं रहा है इसलिए ग्रिल वगैरह गंदी हैं, घर गंदा है। जब रहने आएगा कोई या खरीदेगा कोई तो इसको अच्छे से बना लेगा। ये हॉल हो गया, ठीक है। यहाँ से स्ट्रेट आते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड में ये वेस्टर्न टॉयलेट है, जैसे मैंने बताया कि एंटी फ्लैट है, वे खाली है तो नीट एंड क्लीन नहीं है, ये हो जाएगा, कोई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये पानी है, अच्छा पानी यहाँ पे जो है पूरे दिन में 2 टाइम आता है, मॉर्निंग में आता है एक बार और फिर इवनिंग में आता है। ये किचन है, सारी चीज़ें हैं, किचन है, ये वेंटिलेशन के लिए वही यहाँ पर हम लोग खड़े थे अभी, देखिए खोल दिए तो हवा आएगी यहाँ पर। और वो नाला नहीं है, पहले कुछ लोग सोचेंगे अरे पीछे नाला, वो नाला नहीं है, बारिश का पानी अटका हुआ है, वो सूख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा जमा है वो सूख जाएगा, ठीक है। ये किचन हो गया आपका, ये टैंक की लगी हुई है, पानी का टैंक्स वगैरह लगे हुए हैं। ये टॉयलेट है, ये बाथरूम है, ठीक है, नहाने के लिए धोने के लिए। ये यहाँ पर आप कपड़े वपड़े खुद नहा लीजिए ये। और ये आपका बेडरूम है, ये बेडरूम बड़ा है, ये देखिए ये बेडरूम, अच्छा स्पेस है बेडरूम का, मतलब छोटा नहीं है, बहुत अच्छा स्पेस है, मतलब आराम से 2 बेड लग सकते हैं, यहाँ पे डबल बेड लग सकते हैं। ये है, और साथ में ये प्लस पॉइंट इसका, ये बेलकनी, ये देखिए ये बेलकनी है, यहाँ पे आप शाम को बैठ के चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, यहाँ पे बैठ कर अपना बाहर रिलैक्स कर सकते हैं। जैसे वो उधर से मैंने हॉल से दिखाया था आपको, ये तो उधर देखेंगे ना, जैसे वो आप शायद देख रहे होंगे उसके साथ वाला फ्लैट है, उन लोगों ने कितने अच्छे से मेंटेन किया क्योंकि वो रह रहे हैं नीट एंड क्लीन, इसलिए ये वैसा ही है, नीट एंड क्लीन है, यहाँ पे कोई रह नहीं रहा है काफ़ी टाइम से तो इसलिए गंदा है, बाकी बहुत कमाल गए। ये लोकेशन बाहर का, ये नाला नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये पानी जमा हुआ है, आप देखिए ये पानी जमा हुआ है, खाली जगह है ना यहाँ पर बहुत, इसलिए ये नाला नहीं है, कुछ सोचेगा बहुत बास आएगी, स्मेल आएगी, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, मैं भी खड़ा हूँ कोई स्मेल नहीं आ रही है, ये सिर्फ पानी यहाँ पे जमा हुआ है। ये पार्किंग है, ओपन पार्किंग है, कोई भी कहीं पर भी गाड़ी लगाइए, 2 व्हीलर लगाइए, 4 व्हीलर लगाइए, कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी अंदर चलते हैं, बहुत ये इधर की फ्लोरिंग भी ऐसी है, ये इधर है, ये देखिए ये नल भी लगा हुआ, शायद कुछ वॉशिंग मशीन का कनेक्शन है यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो होगा यार, फ्लोरिंग धो सकते हैं या कुछ जैसा भी है। तो ये अंदर, ये आपका हो गया बाहर की गैलरी टाइप हो गई, और ये आपका, ये मैं अभी अंदर जा रहा हूँ, ये इधर बड़ा सा विंडो दिया हुआ है, बहुत अच्छा है स्पेस है। और ये अच्छा, दरवाजे भी अच्छे हैं इसके, ये बेडरूम है, ये किचन है, किचन भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बड़ा है, छोटा नहीं है, एकदम अच्छा है किचन है। ये पानी का कोई दिक्कत नहीं है, 2 टैंक हैं, ये बाथरूम है, ये टॉयलेट है, रेस्टोरेंट, और ये हॉल है बहुत बड़ा, यहाँ पे आराम से एक पूरा परिवार रह सकता है जिसमें 5 से 6 लोग होंगे,
बहुत प्यार से रह सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, उनके दो बच्चे और मम्मी डैडी और एक भाई भी हो गए, बड़े प्यार से। अंदर बेडरूम में बहुत जगह है, हॉल में बहुत जगह है, किचन, टॉयलेट, बाथरूम, मतलब बहुत कमाल का है। एटलीस्ट 4-5 लोग बहुत प्यार से रह सकते हैं, आप लोग देखिए। ठीक है, यही सामने बेडरूम, टॉयलेट, बाथरूम, किचन, ये हॉल, ठीक है, और ये मेन डोर। चलिए थैंक यू, मैं बाकी बताता हूँ इसका रेंट क्या और खरीदी में कितने। थैंक यू सो मच। जैसे कि मैंने आपको बोला था, ये 1 BHK फ्लैट है, बहुत ही चीप एंड बेस्ट है ये फ्लैट, और ये नए गांव में पड़ता है। इसकी लोकेशन जो है अपना नए गांव में है, और इसका जो रेंट है बहुत सस्ता है, और ये अगर आप खरीदने भी जाएंगे तो भी बहुत सस्ता है। आप लोग काफ़ी लोग देख रहे होंगे, अरे यार नए गांव तो बहुत दूर पड़ता है, ऑब्वियसली बहुत दूर पड़ता है, लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत सूटेबल जगह है जो अपना ऑनलाइन काम करते हैं या वर्क फ्रॉम होम करते हैं, या जिनको सुबह एक बार अपने ऑफिस में जाना होता है और वापस शाम को आना होता है, उन लोगों के लिए ये जगह बहुत अच्छी है। और आपने जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया लोकेशन, आप जैसे ये ना अभी सारी लोकेशन जो है, ये अभी जितना भी एरिया है ये अभी डेवलप हो रहा है, इस वजह से ये अभी बहुत सस्ता है। आप अगर खरीदने भी जाएंगे तो ये बहुत सस्ता फ्लैट है, और रेंट पे और खरीदने में भी बहुत सस्ता, मेरा विश्वास कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डालूंगा, आप वहाँ कॉल करके पता कीजिएगा कि वहाँ पे कितना सस्ता है, रेंट पे भी और उस पर भी। तो मैं ये दोनों चीज़ें बोल रहा हूँ, जिसको इन्वेस्ट करना है वो वहाँ पे इन्वेस्ट भी कर सकता है, और जिसको भैया इस एरिया में मतलब मेन बॉम्बे में अफोर्ड नहीं कर पाता है, ना तो रेंट कर पाता है ना खरीद सकता है, तो वहाँ पे ये प्लस पॉइंट है कि आप वहाँ पे थोड़ा सा पेमेंट दे के 10% दे के आप बाकी आप लोन कर सकते हैं, तो लोन भी ये बंदे करा के देंगे। और ये लोकेशन जैसे मैंने देखी दिखाई आप लोगों को इस वीडियो में, माइंड ब्लोइंग है, बहुत पीसफुल है, बहुत शांति है, बहुत ट्रैफिक नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, एकदम शांति, मतलब मैं गया था मुझे इतना पीसफुल लगा कि जिस एरिया में मैं यहाँ रहता हूँ ना मुंबई में, ये मतलब इतना ट्रैफिक, इतना शोर शराबा, ये सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन वहाँ पे एकदम इतना शांत है, एकदम पीसफुल है, कोई टेंशन नहीं है, हर चीज़ नीचे अवेलेबल है। बट वहाँ पे क्या है कि थोड़ा दूर पड़ जाता है, इसलिए लोग इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अपने वीडियो में कि मैं ये वीडियोज ऐसे बनाऊँ जो लोग जो अफोर्ड कर सकें, जो इस एरिया में मेन बॉम्बे में नहीं कर सकते, बांद्रा में नहीं कर सकते, अंधेरी में नहीं कर सकते, गोरेगांव में नहीं कर सकते, मलाड में भी बेचारे नहीं कर पाते हैं, कांदीवली में भी नहीं कर पाते हैं, तो अब वो लोग क्या कर रहे हैं बेचारे, कि सारी जिंदगी क्या रेंट पे रहेंगे क्या? नहीं, उन लोगों के लिए मैं सच्ची कह रहा हूँ ये बहुत 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 सस्ती प्रॉपर्टी है। अगर उतने पैसे भी नहीं होते तो आदमी ने अपनी लाइफ में कुछ कमाया होता है तो वो पैसे दे करके और थोड़ा सा लोन लेकर के एटलीस्ट आप अपनी एक प्रॉपर्टी बना सकते हैं। और कुछ लोग अगर जो घर से काम कर सकते हैं वो रेंट पे भी रह सकते हैं, स्टूडेंट हैं वो रेंट पे रह सकते हैं, जिनको इन्वेस्ट करना है उनके लिए तो बहुत माइंड ब्लोइंग ये जगह है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये डेवलप हो रहा है। अगर अगर आज आपने अगर वहाँ पे कोई 1 BHK फ्लैट खरीद लिया तो आने वाले 4-5 साल अगर होल्ड पे कर लिया आपने उसको, तो ये प्रॉपर्टी आपको एटलीस्ट मान के चलिए साल का कम से कम नहीं तो 2-3 लाख रुपये बना के देगी आपको, तो पकड़ लीजिए। अगर आपने 3 साल भी होल्ड कर लिया, अगर 2 लाख या 1.5 लाख भी, मैं मिनिमम पकड़ रहा हूँ, मैक्सिमम की बात ही नहीं कर रहा हूँ, 1.5 लाख अगर आपने 5 साल तक होल्ड करके रख लिया तो कितना हो गया, 7.5 लाख रुपये आपको ये फायदा करेगी, मिनिमम बोल रहा हूँ, ज्यादा होगा 5 साल में वहाँ आग लगने वाली है प्रॉपर्टी को लेकर। जैसे कि आपने ये वीडियो में देखा होगा वहाँ पे नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, अभी लोग वहाँ पे धीरे धीरे खींच रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं देखने के लिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो इन्वेस्ट कर सकते हैं प्लीज आप इन्वेस्ट कीजिए। जो लोग इस एरिए में मतलब कि अंधेरी और अपना बांद्रा, अपना गोरेगांव, मलाड अफोर्ड नहीं कर सकते रेंट के लिए और उसके लिए खरीद नहीं सकते, तो वो लोग वहाँ कर सकते हैं। और एक आइडिया और बता दूँ, अगर आपने मान लीजिए वहाँ पे ये प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर दी, खरीद लिया, खरीदने के बाद आप वहाँ पर रेंट पे दे सकते हैं, रेंट पे देने का मतलब मान लीजिए आप अगर वहाँ नहीं भी रह सकते, आपका काम इधर है तो आप यहाँ रेंट पे दे रहे होंगे, तो वहाँ का रेंट आपको यहाँ हेल्प करेगा, प्लस जितने साल आप होल्ड करेंगे इस प्रॉपर्टी को तो वो रेट भी बढ़ रहा है, महीने के महीने आपको रेंट भी आ रहा है। अगर लोन किया है तो वो जो रेंट आ रहा है तो वो लोन में पैसा आपका आपको हेल्प करेगा, है ना। अगर आप बैंक में लोन दे रहे हैं मान लीजिए 10,000 या 15,000 20,000 जो भी लोन आपका हो रहा है, तो वहां से जो रेंट आएगा तो वो हेल्प आपके लोन में करेगा, करेगा कि नहीं, तो ये है। और प्लस अगर 3-5 साल आपने होल्ड करने में, बता रहा हूं आने वाले टाइम में यहां पे 5 साल के बाद वहां पे बहुत 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 मतलब बढ़ जाएगा प्रॉपर्टी का रेट। तो ये 1 BHK है, नीचे सारी फैसिलिटीज हैं, आपको पार्किंग भी मिल रही है, ठीक है, ओपन पार्किंग है,
और कोई भी रह सकते हैं, ऐसा कोई बंदिश नहीं है कि भाई ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई नहीं, कोई भी रह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई बंदिश नहीं है, आप अच्छे से रहिए, हर जगह से क्या लेना देना किसी से, ठीक है। अपने काम से काम रखिए, नीचे सारी शॉप्स हैं, आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे फूड भी बहुत सस्ता है, जैसे मैं गया था फ्रूट्स वगैरह भी देखा तो मतलब ठीक है, यहाँ से तो काफ़ी सस्ते ही थे। और वहाँ पे अभी मॉल्स भी ओपन हो रहे हैं धीरे धीरे, वहाँ पे मॉल्स भी ओपन हो रहे हैं, अभी इतना डेवलप नहीं हुआ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि गाँव में आपको मिलेगा ही नहीं, मिलेगा, लेकिन मॉल्स जैसे इस एरिया में वैसा नहीं है, वहाँ पे धीरे धीरे अभी डेवलप हो रहा है। प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनिए, पूरा वीडियो देखिए तो आपको समझ आएगा, अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोन पे ले रहे हैं तो भी ये प्रॉपर्टी आपको हेल्प करेगी, मंथली वाइज भी, और होल्ड करेंगे तो वैसा भी 15 से आप मतलब समझ लीजिए 10 से 12 लाख के करीब आपको 5 साल में ये बढ़ा के देगी। और लोन भी कर सकते हैं, 10% दीजिए और ये लोन पूरा प्रोसेस जो होता है वो आपको फ़ोन करेंगे, आपको वहाँ पर समझा दिया जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं उसके लिए भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा तो आप देख लेगा। तो प्लीज़ ये बहुत अच्छा है, नीचे ओला उबर सब मिल जाता है, ऑटो अवेलेबल रहता है स्टेशन से, मात्र ये अपना नए गांव जो है, नए गांव का स्टेशन यहाँ से, जैसे मैं बैठा था तो वहाँ जिसके थ्रू मैंने वीडियो बनाया था उसने मेरे को बताया था कि आप अगर ऑटो से आते हैं तो हार्डली वो लोग शायद 15 रुपीज़ या 10 रुपीज़ लेते हैं स्टेशन से, आपकी बिल्डिंग तक वो 10 रुपीज़ या 15 रुपीज़ लेते हैं, आपको छोड़ के जाते हैं, और आपका खुद का व्हीकल है, खुद की बाइक है, खुद की कार है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसलिए बोल रहा हूँ प्लीज़ सोचिए इस चीज़ को, लाइफ में प्रॉपर्टी होना बहुत ज़रूरी है, कब तक रेंट के घर में रहेंगे, है ना। तो कोशिश कीजिए, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते रेंट में भी तो वो लोग भी रह सकते हैं, स्टूडेंट्स रह सकते हैं, जो ऑनलाइन करते हैं, जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, जिसका बिजनेस है या कहीं जॉब करता है, एक बार जाता है शाम को वापस आता है, वो लोग रह सकते हैं, फैमिली बहुत अच्छे से रह सकती है, कोई मतलब इतना पॉपुलेशन ही नहीं है वहाँ पे, बहुत शांत है। और ऐसा मैं सोच रहा कि पॉपुलेशन, अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे पॉपुलेशन नहीं है तो वहाँ तो चोरी चकारी होती होगी, वहाँ पे पैसे चाहिए, ये मुंबई है, यहाँ ये सब नहीं होता है, आराम से लोग रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे, बॉस मतलब बहुत कमाल की जगह है, बहुत पीसफुल है, और वहाँ पे हवा जो है एकदम, जैसे देखा आपने कितना खुला एरिया, ये तो यहाँ मिलता ही नहीं खुला एरिया, खुला एरिया है। तो आप इसलिए प्लीज़ ये प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए, सारी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा पार्किंग, जैसे ऑब्वियसली पार्किंग है तो वहाँ गाड़ियाँ आना जाना तो होगा, रोड है थोड़े से उबड़ खाबड़ है, लेकिन कुछ जगह पे उबड़ खाबड़ है, हर जगह नहीं है। तो वहाँ खाने को लेके वो सस्ता है, रहने को लेके वो सस्ता है, खरीदना है तो भी सस्ता है। कितने का है क्या एरिया है सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर रीड कर लीजिए। और इंक्वायरी करना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉल कर लीजिएगा, कोई मैसेज करना चाहता है तो मैसेज भी कर लीजिएगा। एक बात और बता देता हूँ, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, आई थिंक हाँ लंबा हो गया, तो ये जो है मैं एजेंट नहीं हूँ, प्रॉपर्टी एजेंट नहीं हूँ, प्रॉपर्टी ब्रोकर नहीं हूँ, तो प्लीज़ आप ये मत सोचिए, मैं सिर्फ वीडियोस बनाता हूँ डालता हूँ। तो अपनी समझदारी के साथ आप रेंट पे भी घर ले रहे हैं चाहे खरीद रहे हैं, तो भी अपनी समझदारी के साथ ही घर खरीदिए, पेपर्स अच्छे से चेक कराइए, पेपर्स चेक करने के लिए लॉयर्स भी होते हैं वहाँ पर, आप उनको दिखाइए, हर वीडियो में बोलता हूँ, बेशक 5-7 हज़ार रुपये कुछ भी है एक्स्ट्रा खर्च होगा चलेगा, लेकिन 40-50 हज़ार तो जो 40-50 लाख रुपये आप लगा रहे हैं वो तो बर्बाद नहीं होगा ना, अटकेगा नहीं ना। तो इसलिए प्लीज़ कहीं पर भी इंडिया में आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं कहीं पर भी, तो आप वो पेपर्स अच्छे से रीड कीजिए, अपने लॉयर्स को दिखाइए और उसके बाद ही प्रॉपर्टी खरीदिए, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, ये 1 BHK है, नेक्स्ट मैं डालूंगा 1 रूम किचन, वो भी बहुत सस्ते हैं, वो भी ऑप्शन, ठीक है। तो ये जो अफोर्ड कर सकते हैं ये ले लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 1 RK डालने वाला हूँ वो देखिएगा। और दूसरा हाँ, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उनकी भी हेल्प होगी, और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं ये सस्ती सस्ती प्रॉपर्टीज डालूंगा तो आपको उसकी जानकारी पहले से पता चल जाएगी, ठीक है। और दूसरा, कुछ लोग बोलते हैं सर प्लीज़ सस्ती सस्ती प्रॉपर्टीज़ का, तो अभी मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इतना दूर गया था कि लोगों की हेल्प हो सके, जो बेचारे रेंट पे रहते हैं एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी तो खरीद के बना लेना, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं बोल रहा, बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, तो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कुछ पूछना है कमेंट कर दीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, और थैंक यू सो मच, मिलता हूँ बहुत जल्दी एक नए दूसरे वीडियो के साथ।